एक होता है अफ्रीकन एलिफेंट, एक होता है एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट की भी सब कैटेगरी भी एक होती है इंडियन एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट, फिर नेपाल में होता है हाथी, ऐसे थाईलैंड में होता है। तो हमारे देश का जो एलिफेंट है, जो हमारी कंट्री में पाया जाता है, वो है इंडियन एलिफेंट। और ये एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट से 2 से 3 गुना छोटा होता है। मतलब अफ्रीकन हाथी इसका 3 गुना तक हो सकता है। और ये काफ़ी छोटे होते हैं, इनके कान भी छोटे होते हैं। अब ये हाथी जंगल में जब रहते हैं तो हाथी रहते हैं हर्ड में, हर्ड माने ग्रुप, और उस ग्रुप की एक स्पेशल फीचर होती है कि उसकी लीडर होती है महिलाएं, फीमेल मादा, मैट्रियार्कल हर्ड कहते हैं उसे। तो एलिफेंट्स रहते हैं मैट्रियार्कल हर्ड में। मेल्स क्यों नहीं रहते उनके साथ? क्योंकि मेल्स को 14-15 की उम्र में जो मैट्रियार्क होती है, अलग कर जो फीमेल हेड होती है वो बाहर निकाल देती है। क्यों? क्योंकि मेल्स जैसे ही सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, जैसे ही वो मेटिंग के लिए तैयार होते हैं, वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है। वो एक जब वो मस्त में होते हैं, मस्त एक कंडीशन होती है जब हाथी मेटिंग के लिए रेडी होता है, तब उनका टेस्टोस्टेरोन 60 टाइम्स ज़्यादा होता है, 60 गुना ज़्यादा। मस्त की हाथी की पहचान होती है उसके मस्त ग्लैंड होते हैं। तो 3 तरीके के साथ पहचान सकते हैं। पहला होता है ड्रिपिंग यूरिन, जो उसका यूरिन होता है वो ड्रिबलिंग होता है। उसके अलावा उसका बिहेवियर बहुत ही डोमिनेंट होता है। तीसरा साइन मस्त ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे आँखों के ठीक ऊपर, फीमेल में नहीं होते, मेल में होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, मस्त ग्लैंड लिक्विड सिक्रीट करता है। और जब वो लिक्विड सिक्रीट करता है, दैट मीन्स मस्त में है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही पर्टिकुलर स्मेल आती है, बहुत ही तेज़ एक स्मेल आती है मस्त वाले हाथी के पास से, जिससे आपको ये पता चल सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि ये हाथी मस्त में है या मर्द में है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वाइल्ड मेल एलिफेंट या कैप्टन मेल एलिफेंट मस्त में है। वो सिचुएशन बहुत ही डेंजरस होती है। उस टाइम पे एलिफेंट का बिहेवियर होता है डोमिनेटिंग, इतना डोमिनेटिंग कि कुछ भी सामने आएगा तो वो उसे मारेगा तोड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड में वो वैसे ही सर्वाइव करता है। ठीक है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली एक क्वेश्चन आया था कि इनके पास क्यों नहीं है। एशियन एलिफेंट सब कैटेगरी इंडियन एलिफेंट, इनमें सिर्फ मेल्स के ही बड़े टस्क होते हैं, फीमेल्स के छोटे टस्क होते हैं, उसे कहते हैं टश, टश इनके छोटे ही होते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं मखना, जिनके होते ही नहीं। वो है, वो है। मेल्स की दो है। क्यों है? तो जो मखना मेल होता है, मादा है वो, उसके कोई टस्क नहीं होता, जिनका होगा ना टस्कर होता है, उसके बड़े टस्क होते हैं। सिमिलरली फीमेल होती है सैंडली, जिनके नहीं होते। ऐसे ही आप वेरियस कैटेगरीज जैसे जैसे और डिगिंग करेंगे आपको पता चलती रहेगी। तो इनसे रिलेटेड कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स, मादी नहीं है, मादी है, छोटे दांत है ना, बड़ा ना होता तो खूब लंबे। आपके सामने जो हाथी खड़े हैं, ये 3 हाथी हैं। एवरेज एज हाथी की पता है किसी को? कितने साल तक जीता है? 60 से 70 साल, ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइफ। सो अगर ध्यान रखा जाए हाथी का कैप्टिविटी में, तो वो 70-80-90 साल भी चला, पर वाइल्ड में उनकी उम्र होती है 60 से 70 साल, क्योंकि 60 से 70 साल के आसपास ही हाथी के सारे दांत गिर जाते हैं। हाथी के आपको पता है मोलर्स भी होते हैं, जैसे हमारे मोलर्स होते हैं ऐसे हाथी के भी मोलर्स होते हैं। जो टस्क होती है वो केनाइंस होते हैं, केनाइंस नहीं होते, दूसरा कैटेगरी होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। जो मोलर्स जो होते हैं, हाँ, सो जो मोलर्स होते हैं वो गिर जाते हैं। इसके बाद हाथी डिपेंडेंट हो जाता है सॉफ्ट फूड पर। ये तीनों ऑलमोस्ट 40 प्लस हैं, माया जो कि प्रेजेंटली 48 ईयर्स की अप्रॉक्सीमेटली है, माया इनको हमने सर्कस से रेस्क्यू करा था 2010 के करीब। इनको सर्कस में इस्तेमाल करा जाता था, उसके बाद इनको इस्तेमाल करा जाता था भीख मांगने के लिए या जॉय राइड देने के लिए, सवारी कराने के लिए। ये जो हाथी है ये इतनी वीक थी जब आई थी कि इसके आपको रिब्स दिख जाते थे, इतनी वीक थी इसके जो नेल्स थे वो कम्प्लीटली निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे? क्योंकि हाथी बनाए सॉफ्ट मड पे चलने के लिए। अगर आप इसको डामर पे सीमेंट पे चलाओगे तो हाथी के नाखून खराब हो जाएंगे। जंगल में तो ये अपने नाखूनों का ध्यान खुद रखते हैं,
कैप्टिविटी में कोई नहीं रखेगा तो नाखून खराब हो जाएंगे, जिसके वजह से हाथी की मौत भी हो सकती है। 99% केसेस में हाथी की डेथ कैप्टिविटी में उसके खराब पैरों की वजह से होती है, क्योंकि जब वो कॉन्टिन्यूसली चलते हैं तो नेल टूटता है, फुट पैड सड़ता है डामर की वजह से, जलता है, हमारे पैर भी कट जाएंगे। इसी वजह से हम लोगों को इनका फुट केयर बहुत ध्यान से करना है। आप कभी भी ऑन फील्ड कभी कोई हाथी देखेंगे किसी भी ओनर के पास, तो आप उसके पैर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाथी ठीक है कि नहीं। तो इसमें रोग नहीं है कि जैसे कोई पाल के ऐसे व्यवसाय कर रहा जो सवारी में या उसमें कुछ कर रहा शेड्यूल वन का एनिमल है तो रोग क्यों नहीं हो रही फिर इसमें? अभी तो चल ही रहे हैं हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ग्रे एरियाज भी है। अरे रुको यार, वही तो पूछ रहा हूँ। उसमें ग्रे एरियाज भी हैं। तो वो ग्रे एरियाज ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा सा भी एक वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, जो हाथी के ओनर्स होते हैं वो भी बहुत दबंग और बड़े लोग होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके, इसलिए उनके पास हाथी रहते हैं। तो मना भी नहीं है मतलब उनके लिए? मना है, मतलब आप चाहो हाथी अगर बीमार है, ठीक नहीं है, आप अपनी पावर एक्सरसाइज करके एक पॉइंट पे आप ले सकते हैं हाथी सरकार के लिए। एट द एंड ऑफ द डे सारे हाथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, पर उन लोगों से लीगली फाइट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लॉ ही इतना एम्बिगुअस है, इतना कॉम्प्लेक्स है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वाटर की कैसे सप्लाई होती है? तो इनके लिए पीछे वाटर टब बना रखा है पानी की होती, जिसमें हम पीने का पानी भर देते हैं, वहाँ से ये पानी पी लेते हैं। नीचे भी तो बनाया होगा आपने जिसके ऊपर इसको नहलाने के लोग घूमते रहते हैं। एक वो क्या कहते हैं, टैंक जैसा, पाइप से नहलाते हैं। एक पॉइंट हमने बना रखा है, बाकी पीछे हमारा एक बेडिंग एरिया है, वो हम आपको पीछे दिखा देंगे। ये सब फीमेल वाले हैं सर? ये सब फीमेल है, मेल एलिफेंट्स नहीं दिखाएंगे। ये ड्रम क्यों बाद रखा वाला? तो जंगल में हाथी को खाना कैसे मिलता है? कोई देता है उसे खाना या उसे खुद लाना पड़ता है? खुद लाता है। कैसे लाएगा खुद? टहनियां तोड़ता है। तो यहाँ तो सारा खाना हम दे रहे हैं, ऐसे तो हाथी आलसी हो जाएगा। आलसी होके बोर होएगा, बोर होके गुस्सा करेगा। तो हमें ये सब नहीं कराना, हम हाथी का खाना छुपा देते हैं ड्रम में, केजेस में, पाइप्स में। हाथी को मेहनत करनी पड़ती है, वही 10 किलो अगर उसके सामने डाल देंगे तो शायद 10 मिनट में खा जाएगा, और वही 10 किलो आप 5 जगह छुपा देंगे तो 20-25 मिनट आधा घंटा लगेगा। बिल्कुल वाइल्ड जैसा, जंगल में भी एक बार में एक फल मिलेगा, दूसरे पेड़ पे जाएगा थोड़ा मिलेगा, वैसी यहीं पे। इसकी वजह से हाथी फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहता है। इवेंचुअली हाथी बोर नहीं होता और उसकी एनर्जी खाना ढूंढने में जाती है रैदर देन एनक्लोजर तोड़ने में। कभी तोड़ा भी है सर इन्होंने? तोड़ सकते हैं और तोड़ भी देते हैं। इसमें सोलार फेंसिंग होगी, कहाँ तोड़ेगा? सोलार फेंसिंग है, बट इन केस उनको गुस्सा आता है, इंटेलिजेंट एनिमल है, तो वो सोलर फेंस को भी कुछ नहीं समझता। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑफ दिस वर्ल्ड।